हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस साल का आखिरी दिन यानी कि 31st 2020। ये साल बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहा हम लोगों के लिए। कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ। मैं उन परिवार के लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ जिनकी कोरोना की वजह से डेथ हुई है। लेकिन हमें हमेशा बुरी चीज़ों को भूल जाना चाहिए और अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जैसा जैसा सोचते हैं वैसा वैसा होता है। तो हम अच्छा सोचेंगे तो आने वाला टाइम भी अच्छा अच्छा होगा। तो इस वीडियो में मैं लाई हूँ आपके लिए कि 2020 में क्या चीजें अच्छी अच्छी हमारे साथ हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पता चला कि फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा भी कोई है जो हमारी इतनी केयर करता है। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलूंगी डॉक्टर एंड मेडिकल स्टाफ को। इन लोगों ने हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल की है। प्लस फिर आते हैं हमारे पुलिस वाले। पुलिस वालों ने अपनी जान खतरे में डाल के हमारे रक्षा के, इवन उन्होंने हमको मारा भी ताकि हम हमारा ध्यान रखें। कितनी अच्छी बात है ये। और फिर आते हैं हमारे ग्रोसरी वाले जिन्होंने घर तक हमको हमारा सामान पहुंचाया है। फिर आते हैं वो ड्रोन वालों को भी ले लो यार, जिन्होंने घर घर तक सिगरेट गुटखा और सब लोगों को पहुंचाया है। ये साल हम सभी के लिए बहुत ही क्रिएटिव रहा। हमने सारी क्रिएटिविटी स्किल्स को बढ़ाया है। इवन हमने ऐसी विशेष को पूरा किया है जो शायद हम रेगुलर लाइफ में नहीं कर पाते, जैसे कि हमारी नेटफ्लिक्स की सीरीज पूरी करना हुआ। हमारी विशलिस्ट में पढ़ी जो बुक्स थी, हम बहुत सालों से पढ़ना चाह रहे थे पर हम पढ़ नहीं पा रहे थे, वो हमने पूरी पढ़ी है। हमने बैकिंग की यार, हम शेफ बन गए, होटल का सारा खाना हमने बनाया है। इवन अब तो हमको होटल की नीड भी नहीं है यार, पानी पूरी बनाएंगे सब। हर किसी ने पानी पूरी बनाई है, बताओ। अब मुझे ही देख लो, मैं 3-4 साल से सोच रही थी मुझे अपना चैनल लॉन्च करना है, चैनल लॉन्च करना है। लॉकडाउन की वजह से फाइनली मैंने अपना चैनल भी बना लिया। अप्रैल 2020 में नासा ने रिलीज किया था एक फोटो जिसमें एयर पोल्यूशन कम होने की बात बताई गई थी। इनफैक्ट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। लॉकडाउन लगने के एक हफ्ते बाद से ही दिल्ली में भी पोल्यूशन लेवल कम होने लग गया और जुलाई में तो इसका रिकॉर्ड बना है सबसे कम होने का। अगर आपको याद है तो हरिद्वार में जानवर रोड पे घूमते हुए दिखाई देते, नोएडा जैसे जगह में नील गाय घूम रही थी, और तो और केरला में हाथी घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मोदी जी ने इसको इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा हो कि देखो भैया लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मोदी जी से ज्यादा मोदी जी का टीवी पे आना हम लोगों के लिए कितना एक्साइटिंग होता था ना, उनका टीवी पे आना और मन की बात कहना, थाली बजाने वाला टास्क, यार कितना एंजॉय किया था। इवन दिवाली पे हम जितना दीपक लगाने में एंजॉय नहीं करते ना, उतना हमने घर के बाहर दिए जला के खुश हुए थे। और जो इंटरेस्टिंग हुआ है वो ये है कि हम बिना मूवी के टिकट खरीदे हमने घर पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फ्री में मूवीज देखी है फैमिली के साथ। वो भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना तो हम भूल ही गए थे, जैसे जॉब एंड ऑल। कितने सारे लोग मेट्रो सिटीज में रहते थे, वो लोग घर पे आए और उन्होंने अपना टाइम फैमिली वालों के साथ स्पेंड किया। रामायण देखी, महाभारत देखी, और तो और सबसे बात अच्छी थी 2020 में कि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच जीता। जूम कॉल्स पे रिलेटिव फ्रेंड्स सबके साथ हमने बातें की हैं। बताओ क्या हो सकता है इससे अच्छा। इस बार और अच्छी बात ये हुई है कि शादियों में जो लाखों रुपए खर्च होते थे वो बच गए। सस्ती सुंदर सी शादियां हुई है, शादी भी हो गई और सब कुछ अच्छा हो गया। इनफैक्ट ये भी पता चला कि हम किसके टॉप 50 में आते हैं। आपको पता है मुझे 5 इन्विटेशन थे, मतलब मैं टॉप 5 लोगों के टॉप 50 में आती हूँ। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कितने लोगों ने इन्वाइट किया था लॉकडाउन वाली शादी में। और अच्छी बात ये हुई है कि हम आत्मनिर्भर बने। हाँ, भाइयों के लिए जो रिस्पेक्ट अंदर से निकली ना, उसका तो मैं क्या ही कहूँ। घर का पोछा लगाना पुशअप्स लगाने से भी ज्यादा हार्ड है, पर फिर भी हमने वो भी किया और अब वो डर भी निकल गया कि घर के काम बर्तन एंड ऑल सब कुछ कर सकते हैं अब हम। लॉकडाउन की वजह से कई रेस्टोरेंट बंद हो गए। कुछ अच्छे लोग सामने आए हैं जिन्होंने अपनी इंसानियत दिखाई है और उनको हेल्प की है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, बाबा का ढाबा, हम सभी जानते हैं वो स्टोरी। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगी, एक विदेशी रेस्टोरेंट की बात है। एक व्यक्ति ने $7 की बियर खरीदी लेकिन टिप में 3,000 रुपीज दिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो रेस्टोरेंट बंद हो।
इसी तरीके से एक और बड़ी सी कंपनी है बर्गर किंग, हम सबने वहां का बर्गर खाया है, और मैकडी, जबकि हमने वहां का भी बर्गर खाया, दोनों ही आपस में कॉम्पिटिटर है, लेकिन बर्गर किंग ने देखा कि मैकडी की बहुत सारी चेन्स बंद हो रही है, तो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि आप वहां से भी परचेस करें, इनफैक्ट आप सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट से परचेस करें और उन्हें बंद होने से रोकें। बताइए, इतनी अच्छी चीज हम देख पाते अगर ये लॉकडाउन कोरोना नहीं होता तो? ये मैंने बहुत ही अच्छे ब्लॉग में पढ़ा है जिसे लिखा है दिलीप रंगवानी ने, आप भी इस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन करने वाली हूँ। और 2020 का सबसे बेस्ट थिंग, राम जी के देश में, राम जी की जन्मभूमि पे आखिरकार राम मंदिर बन ही गया, और सबसे अच्छी बात ये रही कि सारे धर्म के लोगों ने उसका सपोर्ट किया। बताओ 2020 हम कितना कोस रहे हैं इसको यार, इतना कोसने की जरूरत नहीं थी। और जो वर्क फ्रॉम होम का जो स्कैम हुआ था ना, वो तो अलग से ही रिकॉर्ड होने वाला है। शर्ट और टाई में शॉर्ट्स के साथ हम कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड कर रहे थे। टू बी वेरी फ्रैंक, जो मेरा बर्थडे लॉकडाउन में सेलिब्रेट हुआ है ना, वो मेरे नॉर्मल बर्थडे से कहीं ज्यादा अच्छा था। भले मैंने केक कटिंग ना की हो, लेकिन मेरे एवरी रिलेटिव्स, मेरे एवरी फ्रेंड, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, कलीग्स एंड ऑल, ऑफिस वाले, सब 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 लोगों ने मुझे वीडियो कॉल्स किए थे, एंड आई एक्चुअली वॉज फीलिंग सो 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 लव्ड। तो आई गेस अगर ये चीज़ नहीं होती तो मुझे इतना अच्छा बर्थडे नहीं मिलता। वही मैं ऑफिस जाती, आती, खाती, केक कटिंग करती, जो दो चार मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती, एंड दैट्स ऑल। बट नहीं, इस बार मैंने सबसे बात की है। तो ये था मेरा परसेप्शन 2020 को लेके, कि बुरी चीजें हुई है, नो डाउट, हमको फाइनेंशियली लॉस हुआ है, हमें कुछ लोगों को भी खोया है, बट हो सकता है उनका यहीं तक था हमारे साथ सफर, तो हम उन चीजों को भुला के हम आगे की चीजें देखेंगे। 2021 को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हम वेलकम करेंगे। अभी मैं बोलूंगी तो आप लोग बोलोगे कि मैं सावधान इंडिया वाले अनूप की कॉपी करूं, पर क्यों ना करूं यार, वो बेचारे इतने सालों से बोल रहा है सावधान रहें, सतर्क रहें, काश हम उसकी बात सुन लेते तो अभी हमारा इतना लॉस नहीं होता। एनीवेज, सावधान रहें, सतर्क रहें, 2021 में भी मास्क लगा कर रहें जब तक कि कोरोना खत्म नहीं हो जाता या आपको वैक्सीन नहीं लग जाती। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और मेरे वीडियोस देखते रहें, और यार मेरा ख्याल भी रखो, अगर मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।